नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारतीय टीम 9 विकेट से पराजित। अपने बल्लेबाजों के शर्मनाक प्रदर्शन के कारण भारत को त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला में आज लगातार दूसरी पराजय का सामना करना पड़ा, जब इंग्लैंड ने उसे 9 विकेट से हरा दिया। हार से फाइनल में प्रवेश की भारत की राह भी मुश्किल हो गई है। स्टीवन फिन तथा जेम्स एंडरसन की कहर बरपाती गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम 39.3 ओवर में सिर्फ 153 रन पर आउट हो गई। भारत की ओर से स्टुअर्ट बिन्नी ने सर्वाधिक 44 रन बनाए। इंग्लैंड ने 27.3 ओवर में विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज इयान बेल ने सर्वाधिक 88 रन बनाए। इस जीत के बाद इंग्लैंड को 5 अंक मिले, जिसमें एक बोनस अंक भी शामिल है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा कहा। भाजपा की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी को बहस की चुनौती देने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को भाजपा ने भगोड़ा कहा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी का मतलब धरना, ड्रामा और बहस है। उन्होंने किरण बेदी को आयरन लेडी बताते हुए कहा कि केजरीवाल भगोड़ा है। फिर बढ़ सकता है रेल किराया। सरकार रेल यात्री किराया बढ़ाकर आम आदमी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। रेल बजट पेश किए जाने से एक महीना पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस बात का संकेत दिया है। इंडियन रेलवेज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के विषय पर एक नेशनल सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद आए प्रभु ने कहा कि रेलवे को तेज विकास के लिए हर संभव स्रोत से निवेश की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि क्या रेलवे की माली हालत खराब होने के उनके बयान का मतलब यह है कि किराया बढ़ाया जाएगा, प्रभु ने कहा कि रेलवे का बोझ आम आदमी का बोझ है, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट आम आदमी का ही है। एमएफजी को लेकर सिखों का गुस्सा भड़का। सिरसा में तनाव। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड को लेकर विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सिरसा और आसपास के जिलों में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हजारों समर्थकों ने डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इनका समर्थन आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने भी किया। कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि हमने प्रदेश और केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि वह मैसेंजर ऑफ गॉड की स्क्रीनिंग पर रोक लगाए। यदि सरकार हमारी बात सुनती है तो हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो सिख समुदाय पूरे देश में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस पर आतंकी हमले का खतरा। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस पर आतंकवादी हमले का खतरा है। पुलिस के मुताबिक संघीय प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर पुलिस पर आतंकवादी हमले का हाई अलर्ट जारी किया है। क्वींसलैंड के पुलिस आयुक्त इयान स्टुअर्ट ने बताया कि कई बार पुलिस पर आतंकी हमले के मद्देनजर खतरे का स्तर मध्यम से बढ़ाकर उच्च किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस पर हमले की आशंका बढ़ने के बाद अब पुलिस भी वहां के नागरिकों की तरह आतंकी हमले की आशंका से हाई अलर्ट की श्रेणी में आ गई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com। नमस्कार।